हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एक्सपोज कंक्रीट क्या होता है। आइए देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर है। डालो, इसमें सबसे पहले आपका जो प्लाई होता है, प्लाई को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक लेवल में इस रख करके और इसको बिल्कुल साफ क्लीन करके ग्लू को पूरे प्लाई में लगा देना चाहिए। दोस्तों, ये जो मेरा सीट है ये रेकली कंपनी का है। रेकली के तरफ से ही ये ग्लू मिला हुआ रेजिन में हार्डनर मिला करके एक साथ और तब इसके बाद इसके ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद हमारी सेटिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, ये रेकली का सीट जो है ये इटालियन एक कंपनी है, इटली से आया हुआ है, जो बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। वैसे देखा जाए तो ये एक्सपोज कंक्रीटिंग पूरे यूरोप में मोस्टली चलता है, लेकिन अब हाल ही फिलहाल में इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ साल में इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको स्मूथली लगाने के बाद सीट को इसके ऊपर स्प्रेड करके इसको चारों तरफ से अच्छे से चिपका देना चाहिए और इसके ऊपर 24 घंटे के लिए कोई लोड डाल देना चाहिए ताकि ये कहीं से भी छोड़े ना। दोस्तों, ये गर्मी का जो सीट है गर्मी से अवेलेबल है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 8x8 फुट का सीट है और लगभग ये सिर्फ सैंपल के लिए आया है और लगभग ये 2.5 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। तो ये समझ सकते हैं कि ये कितना कॉस्टली है। थोड़ा सा पैर बढ़ा जो हमारे बिल्डिंग को बोलते होना है वो लगभग 7000 square foot एरिया एक्सपोज कंक्रीट का है, जबकि ये सिर्फ 8x8 फुट का सीट 2.5 लाख का पड़ा है। और अलग से इसका जो केमिकल है, जो एडहेसिव है जिससे ये चिपकाया जा रहा है, ये तकरीबन 1 लाख रुपए का है, जो सिर्फ एक ही सीट में लग गया है। ये हमारा सैंपल कुछ देर में बन के रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगभग पूरे में ग्लू लग चुका है। कुछ ही देर बाद इस सीट को इसमें पूरा स्प्रेड कर दिया जाएगा और इसको चारों तरफ से इसको चिपकाया जाएगा। और ये रहा हमारा रोल जो इस पर पूरा स्प्रेड हो गया। देख सकते हैं कि ये जो सीट है रेकली का ये पूरा स्प्रेड हो चुका है और इसको कैसे ग्लू के साथ चिपकाया जा रहा है। ये ग्लू कुछ ही देर में इसको अच्छे से पकड़ लेगा। इसमें आप लोगों को सीट में छोटे छोटे होल जो दिख रहे हैं, ये डिज़ाइन किया गया है टायरॉड फिक्स करने के लिए, जो इक्वल डिस्टेंस पे है। ये डिज़ाइन से ही हुआ है। जो एक्सपोज कंक्रीट में ये भी एक ग्रू के जैसा दिखेगा, ये इक्वल होने से ये है, ये भी एक डिज़ाइन की तरह दिखेगा। कुछ लोग देखते हैं इसको कैसे सरका करके इसको चिपकाया जा रहा है ताकि अंदर से सारी वॉइड्स जो हैं ख़त्म हो जाए। देख रहे हैं आप लोग, धकेलना है, स्मूथली हाथ रख करके सरकाने से वो अपने आप वो चिपक जाएगा। देख रहे हैं कैसे इसको चिपकाया जा रहा है। देखिए ये हाथ इस पर रख करके बिल्कुल स्लो इस पर लोड डालना है। ये हमारा सीट जो है ये लगभग रेडी हो चुका है। ये सीट सिर्फ सैंपल के लिए है, ऐसे कितने सीट आएंगे आप लोग सोच सकते हैं। हमारा सीट रेडी हो चुका है लगभग। अब इसके बाद से अब देखेंगे किस किस सेटरिंग कैसे की जाती है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी सेटरिंग लगभग हो चुकी है और अब इसकी पोरिंग कैसे हो रही है ये लोग ये भी देख लीजिए। पोरिंग के बाद डिस्ट्रक्टिंग के बाद क्या हो रहा है ये देख सकते हैं। ये रहा हमारा डिसेप्टिंग के बाद एक्सपोज कंक्रीट। तो जैसी इसमें लाइनिंग थी वैसे इसमें डिजाइन दिख रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा बाद में। चलिए दोस्तों, थैंक यू।